नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महामंगल सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि जिसमें उत्तम मंगल क्या है इस पर तथागत ने काफी अच्छा मार्गदर्शन दिया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार करते थे। तब एक देवता रात्रि में अत्यंत मधुरता में अपनी रोशनी से समस्त जेतवन को प्रकाशित कर जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ आया। आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े होकर उस देवता ने गाथा में भगवान बुद्ध से कहा, कल्याण की कामना रहते हुए बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने मंगल के विषय में विचार किया है। आप बताएं कि उत्तम मंगल क्या है? तथागत ने कहा, मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। अब मूर्खों की संगति किस प्रकार की होती है? संगति का मतलब है कि एसोसिएशन, इंग्लिश में उसको एसोसिएशन कहेंगे। संगति कैसे होती है? अब कुछ मूर्ख टाइप के लोग आते हैं, भिक्षुओं का चोला पहन लेते हैं। भिक्षु तो होते नहीं हैं, लेकिन भिक्षुओं का चोला पहन लेते हैं। कोई साधु का चोला पहन लेते हैं, तो कोई कुछ और अपने मूर्ख टाइप के जो प्रवचन है वो देना शुरू करते हैं। और ऐसे प्रवचन देते हैं कि ना तो उनको पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, और सामने वाली जनता बेचारी, वो तो सामान्य जनता रहती है, उसको डरा डरा के ऐसे डरा देते हैं कि वो डर के चक्कर में उनके शरण चली जाती है। तो तथागत कहते हैं कि ऐसे मूर्खों की संगति मत करो कि जिससे आपको ज्ञान होने के बजाय आपका अज्ञान बढ़ते जाए, आप अंधेरे की तरफ जाए। तो कैसे लोगों की संगति करना है? बुद्धिमानों की संगति करना है। बुद्धिमान कौन है? जो जानता है, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जो मार्ग दिखा सकता है, जो मार्ग अमार्ग में भेद जानता है, जो अष्टांग मार्ग का पथिक है, जो प्रज्ञा का मार्ग जानता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, जो सभी प्राणी मात्र के लिए मैत्री की भावना रखता है, जो अपने बारे में ही नहीं सोचता, पूरे विश्व के बारे में अच्छा सोचता है, उसका हृदय मैत्री से परिपूर्ण होता है और वो विषय का विशेषज्ञता होता है, उसकी विशेषज्ञता होती है। तो उसके सानिध्य में जब आप जाओगे, जब आप उसको सुनोगे और सुनकर आप जो ग्रहण करोगे, उससे आपकी भी बुद्धि का विकास होगा, आपका भी विकास होगा, और आप प्रकाश से और प्रकाश की ओर जाओगे, प्रकाश से और प्रकाश की ओर जाओगे, ज्ञान ज्ञान से और आप ज्ञान की तरफ जाओगे। तो इसलिए क्या करना है आपको? बुद्धिमानों की संगति करना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। पूज्यों की पूजा करना, पूज्यों की पूजा करना, पूजा करना मतलब क्या होता है? सम्मान करना, आदर देना। अगर ऐसा मान के चलिए कि हमने गलत को सम्मान देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि वो गलत बढ़ते जाएगा। अब गलत को सम्मान व्यक्ति कैसा देता? अपने अंदर अगर गलत विचार है, उस गलत विचारों को हमने सम्मान देना शुरू किया, तो क्या होगा? गलत विचार बढ़ेंगे। हमारे अच्छे विचारों को हमने सम्मान देना शुरू किया। सम्मान देने का मतलब उसको ग्रहण करना, उसका आदर करना, उसको अपने पास स्टोर करके रखना, या उसके आधार पे मनन चिंतन करके उसको अप्लाई करना। और बाहरी सम्मान क्या होता है? बाहरी सम्मान गुरु का सम्मान। गुरु कैसे होने चाहिए? आपने सही तरीके के गुरु चुनाव करना चाहिए, नहीं तो आजकल तो गुरुओं की भीड़ लगी हुई है, हर कोई बिजनेस बना के रखा है गुरुओं का।
लोग ऐसे ऐसे गुरु आ गए कि वो बस पैदा होते बराबर अपने आप को बोलते कि हमने ये है श्री श्री और वो है और ये है और आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म भूत दैत प्रेत और पता नहीं उनके पास कितने तरीके की व्याख्या होती है। वो मंडल दे देंगे आपको, कमंडल दे देंगे, पता नहीं क्या क्या दे देंगे और आपको भ्रमाना शुरू कर देंगे आपको। मतलब अलग अलग तरीके से ये करेंगे और व्यक्ति को लगता है ये बहुत बड़ा पहुँचा हुआ महात्मा है, ये बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला है और आदमी उसमें उसके भ्रम में जाके अपनी संपत्ति तो लुटाता है, अपने आप को मिसगाइड भी करता है और मिसगाइड करके और उसके शरण में जाके अपने को ही गलत रास्ते में भटका देता है और उसका गुलाम बन जाता है। ऐसे आजकल बहुत सारे गुलामों की फौज खड़ी है कि जो जिनके पास ना प्रज्ञा डेवलप हो रही, ना विज्ञान डेवलप हो रहा, ना उनको पता चल रहा कि क्या सही और क्या गलत, अंधे जैसे भटक रहे हैं। तो तथागत कह रहे हैं उनकी पूजा नहीं करना है, उनका अनुसरण नहीं करना। पूजा का मतलब है अनुसरण नहीं करना है ना, अनुसरण नहीं करना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहला जो ये है कि मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना, पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। आगे तथागत ये कहते हैं कि अनुकूल स्थानों में निवास करना पूर्व जीवन के संचित पुण्य का होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना यह उत्तम मंगल है। निवास करने का मतलब क्या है? अनुकूल स्थानों में निवास करना। निवास दो तरीके का, एक तो हम शारीरिक रूप से निवास करते हैं, एक हम शारीरिक रूप से निवास करते हैं जहाँ हमारा रहने का स्थान होता है वो बहुत अच्छी जगह होना चाहिए, आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, किसी प्रकार मतलब आसपास ऐसा कोई गंदला वातावरण नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़े। तो एक निवास स्थान जो चुनाव करना है वो अच्छा निवास स्थान चुनाव करना है। और दूसरा निवास स्थान जो होता है वो है हमारा आंतरिक निवास स्थान। आंतरिक निवास स्थान कैसा होता है? आंतरिक जो निवास स्थान है कि हम अपने अंदर में क्या चीज़ लेकर रहते हैं, क्या चीज़ लेकर सोते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अपने अंदर क्या चीज़ लेके रहते हैं ये भी एक हमारा निवास है कि हम अपने अंदर में क्या चीज़ लेके रहते हैं। तो अपने अंदर में अच्छी चीज़ों को लेके रहना चाहिए, अच्छी चीज़ों का ही ध्यान रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करके काम करना चाहिए। तो क्या है? अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व जीवन में संचित पुण्य का होना। अब लोगों के पास में वो बोलते हैं हमारा बैंक बैलेंस इतना है, हमने इतनी डिग्री हासिल की है, लेकिन पुण्य की भी एक संचय होता है। जब आप पैदा होते हो और जब आप कर्म करना शुरू करते हैं तो वो आपका संचय होना शुरू होता है। तो जब आप गलत कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का संचय खत्म होते जाता है, गलत कर्म का एंट्री होता है। तो गलत और सही हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब हमको प्रज्ञा हमारी जाग जाती तो हमको अधिक से अधिक सही के तरफ बढ़ना चाहिए, कुशल कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। कुशल कर्म करने से क्या होता है? उसका एक संचय होता है और कुशल कर्म ही हमको ये नाव जैसा कार्य करते हैं, हमको भवसागर पार करने के लिए, हमसे दुख से मुक्त होने के लिए ये मदद करते हैं हमारे कुशल कर्म। जब भी हमारे ऊपर विपरीत स्थिति आती है, विपरीत स्थिति में ये कुशल कर्म दौड़कर हमारे पास आते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, क्योंकि वो आपके कुशल कर्म है कि जो आपने प्रैक्टिस में किए थे। इसलिए कुशल कर्म करो। तथागत क्या कहते हैं कि जब भी समय मिला कुशल कर्म करो। कुशल कर्म कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे सोचने से। सोचना है तो गलत क्यों सोचना, अच्छा सोचो भाई। सोचना है तो गलत क्यों सोचना, अच्छा सोचो। मैत्री पर सोचो, लोगों के भलाई पर सोचो, क्या अच्छा कर सकते उस पर सोचो। काम करना है अच्छे काम करो, बुरे करने के बजाय अच्छे की तरफ ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ हमारे साथ में जाने वाली है, हमको तैराने वाली है इस भवसागर से, वो है हमारे पुण्यकर्म। पुण्यकर्म बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पुण्यकर्म को ख़त्म करके भौतिकवादी संपत्ति के ऐसे पीछे चले जाते कि उसके पीछे बुराई मोल ले लेते, झगड़े झांसे झूठ बोलना, किसी को फंसाना, किसी से कुछ भी बोलना, ठगी करना, तो सब प्रकार से एक जंजाल शुरू हो जाता है। और उस जंजाल के अंदर में अच्छे जो लोग हैं वो भी बेचारे पिसते हैं, क्योंकि एक सर्कल है, ट्रेन का एक डब्बा अगर पटरी से उतरता है तो दूसरा भी पटरी से उतरता है, तीसरा भी उतरता है, चौथा ही उतरता है। अब पहले डब्बे का क्या दोस्त था? केवल इतना ही दोस्त था, वो उसके साथ बंधा हुआ था। पहला डब्बा उतरा इसलिए दूसरा भी उतरा तीसरा, इसलिए सिस्टम सब खराब हो जाता है। बाकी का 50-10-15 डब्बे का कोई कुछ नहीं था, लेकिन एक ही डब्बे ने गड़बड़ किया, वो उसका चक्का बराबर नहीं था, और वो चक्का बराबर नहीं था तो वो क्या, पटरी से निकल गया। पूरा
पूरी ट्रेन उलट गई। तो सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है, जब किसी चीज़ में एकाधी चीज़ ब्रेक हो जाती है तो वो क्या होता है कि वो ब्रेक होने से सारी चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि पूर्व जीवन में संचित पुण्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है हमको, पूर्व जीवन का संचित पुण्य क्या करने है? संचित करने हैं हमको, पुण्य का संचय करते जाना, उसका साटा करते जाना, अपने को सन्मार्ग पर लगाना है। सन्मार्ग पर क्यों लगाना है? क्योंकि हम अपने को सन्मार्ग पर लगाएंगे तो हमारे साथ कई लोग सन्मार्ग पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग देखा देखी बहुत ज़्यादा अनुसरण करते हैं। तथागत पहले अकेले व्यक्ति थे कि जिनको बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक संबुद्ध बने, उन्होंने 5 भिक्षुओं को फिर ज्ञान दिया और उसके बाद में एक टीम तैयार की, वो टीम ने प्रचार प्रसार किया। आज उनका जो धम्म है विश्व लेवल पे कई देशों के अंदर में है और कई देशों के अंदर में है और कई लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अच्छी चीज़ का निर्माण करना और उसको अनुसरण करना, तो हमको क्या करना है, अपने आप को सन्मार्ग पे लगाना चाहिए, अच्छे मार्ग पे लगाना चाहिए जिसका परिणाम भी अच्छा आए, ऐसा तथागत कहते हैं। और ये उत्तम मंगल है ऐसा तथागत कह रहे हैं। अधिक बुद्धिमान होना, शिल्प सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और मधुर वाणी में बोलना, यह उत्तम मंगल है। अधिक बुद्धिमान होना, हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है लेकिन बुद्धिमान को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो बुद्धिमत्ता कैसी होनी चाहिए, अधिक बुद्धिमान। विजडम कैसा होना चाहिए, बड़ा विजडम। तथागत कहते हैं कि आप केवल बुद्धिमान ही मत बने रहो, आपको अधिक बुद्धिमान होना है। अधिक बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए, ऐसे तथागत कहते हैं। क्योंकि बुद्धिमान बन के आप अपना तो भला करोगे ही करोगे, जनता का भी भला करोगे। तो अपने आप को ऐसे रखना है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। हर चीज़ हम ग्रहण करते वक्त, समझते वक्त अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में रखना है। कैसा, एक चीज़ जो हमको पता है और सही तरीके से पता है, एक चीज़ हमको पता ही नहीं और पता भी है तो गलत तरीके से पता है। तो जो गलत तरीके से पता है उसको ब्रेन से बाहर करना और वो सही चीज़ को इंटर करना, समझ गए। एक चीज़ आपको पता है, आप बुद्धिमान है उस चीज़ में। दूसरी चीज़ आपको पता है लेकिन गलत तरीके से पता है। अब गलत चीज़ अगर गलत तरीके से पता है तो क्या है, गलत रिजल्ट देगी। इसलिए सही तरीके से पता करना है तो क्या होना है, आपको सही को इंटर करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है। तो आपको पहली चीज़ पता है जो सही परफेक्शन में आपको पता है, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको गलत तरीके से पता है, पता या सही ढंग से पता नहीं है, तो उसको आप रिप्लेस करके सही ढंग से सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको पता ही नहीं है उसको नए सिरे से आपको सीख सकते हैं। तो कुछ जगह तो आप गुरु रहेंगे लेकिन कुछ जगह आप खुद ही शिक्षक रहेंगे। तो व्यक्ति को अपने आप को ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए और ज्ञान को जब आप बढ़ाएंगे तब आप ऐसा देखेंगे कि आपके अंदर से एक एक ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं और आपको ज्ञान पाने में आनंद आ रहा है। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि अधिक बुद्धिमान होना, कैसा होना, अधिक बुद्धिमान होना। फिर कहते शिल्प सीखना। शिल्प का मतलब यहाँ पर क्या है, शिल्प का मतलब है कि विभिन्न कलाएँ, जैसे किसी को कारपेंटरी बहुत अच्छे से आती है, किसी को एरोप्लेन की डिज़ाइन कोई अच्छे से कर सकता है, कोई कार की डिज़ाइन कर सकता है, कोई स्पेस में जाने वाले रॉकेट का डिज़ाइन कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य काम अच्छा कर सकता है, कोई मोबाइल बहुत अच्छे से बना सकता है, कोई मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट अच्छे से बना सकता है, कोई विभिन्न तरीके के प्रयोग कर सकता है। और इस प्रकार का जो अलग अलग शिल्प है, कोई खिलौने अच्छे बना सकता है, कोई रंग पेंटिंग अच्छे से कर सकता है। तो जो भी कोई अलग अलग तरीके के जो शिल्प है वो शिल्प तथागत कहते हैं कि शिल्प को सीखना चाहिए, अलग अलग तरीके के बहु आयामी व्यक्ति को होना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जो आपको जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं उसको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। फिर तथागत कहते हैं कि शिष्ट होना चाहिए। शिष्ट कैसा, मतलब कि एक अपन चाहते कि हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार हो, तो अच्छा व्यवहार करने चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लोगों के साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी पड़ेगी, सम्मान से बात करनी पड़ेगी। और अच्छे से हम बात करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले भी हमारे साथ अच्छे से बात करेगा।
तो सम्मान देके ही हम सम्मान पा सकते हैं। फिर तथागत आगे कहते हैं सुशिक्षित होना। अब शिक्षित और सुशिक्षित में अंतर है। शिक्षित का मतलब है पढ़ा लिखा, और सुशिक्षित का मतलब है कि सही और गलत का जानकार व्यक्ति। पढ़ा लिखा तो है लेकिन वो एनालिसिस करता है। अब ये ग्रंथ को किसी ने पढ़ा और ग्रंथ को जैसे कि वैसे ग्रहण किया तो वो पढ़ा लिखा हो गया, लेकिन जिसने ग्रंथ को पढ़ा उसके भावार्थ को भी समझा, समझने के बाद में ये देखा कि इस ग्रंथ के अंदर में ये चीज़ सही है, ये अप्लाई करने वाली चीज़ है, ये चीज़ वहाँ अप्लाई हो सकती है, ये चीज़ वहाँ छोड़ी जा सकती है, ये सही है, ये गलत है, हर चीज़ का अगर वो एनालिसिस करता है, सही गलत की जानकारी रखता है, तो वो सुशिक्षित हुआ। तो तथागत कहते कि आपको सुशिक्षित होना है। फिर तथागत ये कहते कि मधुर वाणी में बोलना है। मधुर वाणी में बोलने से क्या होता है कि दूसरे के दिल तक वो भाषा पहुँचती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको संगीतमय लगती है आपकी वाणी। जब उसको अच्छा लगता है तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, उसका प्रत्युत्तर दे, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, दिल के अंदर ही वही भावना है जो आपके अंदर में है, वो भी एक मनुष्य है जैसे आप है। इसलिए तथागत कहते हैं कि क्या बोलना है, मधुर वाणी में बोलना है, अच्छी वाणी में बोलना है, ये भी एक उत्तम मंगल है। फिर आगे तथागत कहते हैं माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना और अहित कर काम न करना, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा का क्यों करना, क्योंकि माता पिता ही है जो बच्चों को जन्म देते हैं, बचपन से उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको सन्मार्ग पर लगाते हैं, वो उनका सबसे सही तरीके से पालन पोषण करने वाले होते हैं, उनको गलत रास्ते पर जाने से वो रोकते हैं, वो सबसे अच्छे हितेशी होते हैं। इसलिए एक बच्चे का क्या काम होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। लोग सोचते हैं कि हम मंदिरों में जाके दान देंगे, मूर्तियों को दूध पिलाएंगे और माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ा पुण्य लाभ होगा। पत्थर आपको क्या पुण्य देगा, कुछ नहीं देगा। मंदिरों में दान ठीक है, दे दिया आपने कुछ अच्छे काम के लिए, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता को दुर्भावना से देखा, माता पिता को खाना नहीं दिया और माता पिता को जाके अनाथालय में डाल दिया, वृद्धाश्रम में डलवा दिया, तो अगर माता पिता को आप पीड़ित करेंगे तो वो क्या है, वो सेवा करना नहीं हुआ। तो तथागत कहते हैं कि उससे आपको अपुण्य लाभ होगा, इसलिए आपको पुण्य लाभ करना है तो क्या करना है, माता पिता की सेवा करना है। पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, एक इंसान घर में अगर होता है तो उसके घर में बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, उनका क्या करना है, पालन पोषण करना है। किसकी जिम्मेदारी है, ये उस घर के पुरुष की जिम्मेदारी है। महिला भी काम पे जा सकती है, वो भी पालन पोषण कर सकती है, लेकिन जो मनुष्य होता है, जो मानव पुरुष होता है, वो एक मेन जिम्मेदारी निभाए, वो उनका संरक्षण का भी काम करे और उनके लिए पालन पोषण करे, मतलब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे, उनका संरक्षण स्थान बने। ऐसा नहीं कि उनका संरक्षण बनने के बजाय उनको ही बोले कि तुम खुद करो, मैं तो दारू पी के उधर उधर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और बच्चों का, पत्नी का पालन पोषण करना चाहिए, ऐसे तथागत कहते हैं। फिर आगे तथागत कहते हैं अहित कर काम न करना। अहित कर, हित कर काम और अहित कर काम, जिसका परिणाम बहुत अच्छे से होता है ऐसे हित कर काम। हित कर काम क्या होते, जो भी आप रोज़गार कर रहे हो अच्छे से करना है, जो भी आप कर रहे हैं वो हित, मतलब पब्लिक के हित, शासन के हित में, अपने हित में, परिवार के हित में, वो हित वाले हितकारी काम करना है। अहितकर काम क्या होते हैं, अहितकर काम होते हैं कि जैसे कुछ लोग दूध बेचने आएंगे, दूध के अंदर में वो सोडा वगैरह मिलावट करके गलत तरीके से उसको पब्लिक को दे देंगे, कुछ लोग दालों के अंदर मिलावट कर लेंगे, कुछ लोग कोई सरकारी काम है वो ही नहीं करेंगे और नहीं करके उसको रोक देंगे, या वो बोलेंगे कि इतना पैसा मिलेगा तभी हम करेंगे और नहीं मिलता तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसी मतलब जो अड़ीबाजी है वो नहीं करना है। कोई कहेंगे कि भाई हमने तुमसे पैसा तो ले लिया लिखित में, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि संसार में एक नियम काम करता है, वो नियम है कि आपका ब्रेन है, आपका चित्त जो है, आपका चित्त संसार के साथ जुड़ा हुआ है, आपका चित्त संसार के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जब अहित कर काम करते तो उसके संस्कार बनते हैं और वो संस्कार ही आपको दुख के अंदर ले जाते हैं। ये कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है,
इससे भी बड़ा कोर्ट जो है ऊपर वाले का कोर्ट है, ऊपर वाले संस्कृत ये प्रकृति का कोर्ट है। प्रकृति का कोर्ट क्या है? प्रकृति का कोर्ट आपके चित्त से शुरू होता है। आप जब गलत काम करते हो तो वो चित्त के अंदर स्टोर होता है, उसके दुष्परिणाम आते हैं, उसके दुष्परिणाम आते हैं। कोई लोग बोलेंगे देखिए हमने तो कुछ ऐसा किया, हमको तो कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ, ठीक है, आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो ठीक है। एक मान के चलो कि एक ड्रम है, एक ड्रम के अंदर में दो बूंद जहर के डाल दे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छे काम किए ही नहीं, आपने एक गिलास के अंदर में एक गिलास इतने पुण्य किए, एक गिलास के पानी इतने पुण्य किए और उसके अंदर में दो चार बूंद डाल दिए जहर के, तो क्या होगा? पी लोगे तो बेहोश हो जाओगे। अब कोई जीवन के अंदर में बहुत सारे अच्छे काम करने लग गया और उसमें अच्छे कामों के अंदर में उसके हाथ से दो चार थोड़े बहुत उसी अच्छे काम करते करते दो चार गलत काम भी हो गए, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया उसने, क्योंकि वो प्रोसेस में था, वो सिस्टम में था, उस सिस्टम के कारण हो गए। तो इसका मतलब उसको बड़ा दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अच्छे के कर्म थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा होने के कारण बुराई के थोड़े बहुत कर्म थे वो झेल गया। लेकिन जिसने अच्छाई की नहीं, बुराई बुराई की, तो वो नहीं झेल पाया, न झेल पाया, तो क्या हुआ उसको? उसके दुख के कारण पता चला कि ब्रेन बड़ा दर्द कर रहा है, वो झेल नहीं पा रहा है, क्या करे क्या नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना है? अपने अहितकर कामों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने गलत किया है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो प्रकृति क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, आपको सपोर्ट करता है। हाँ ये कम से कम सही रास्ते पर आया है, चलो इसने एक्सेप्ट किया कि इसने सही किया। एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर ध्यान ये करना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए लग जाना चाहिए। तो तथागत ये कहते हैं कि अहितकर काम मत करो। अहितकर काम करने से क्या होगा कि आप इस भवसागर के अंदर में घूमते रहोगे, आवागमन के चक्कर में, ये दुख के चक्कर में घूमते रहोगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपके पास पैसा तो होगा, भौतिक चीज़ें तो होगी, लेकिन रात में सो नहीं पाओगे। आप बोलोगे यार ये सब तो चीज़ें, फिर दारू पी के सो रहे, फिर भी दारू पी के नींद नहीं आ रही। अब दारू ज़्यादा पी ली तो क्या हुआ? पता चला हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। अरे फिर क्या हो रहा है? फिर बोले अरे ठीक नहीं लग रहा, तो सिगरेट बहुत सारी पी ली, सिगरेट पी लिया तो क्या, पता चला कैंसर हो गया। तो आप वो एक साइड तो आप तो भौतिक संपत्ति तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड में आपकी जो शारीरिक संपत्ति वो आपने ख़त्म कर दी। असमय आप इस लोक से पधार गए तो क्या हुआ उस भौतिक संपत्ति का? कुछ नहीं हुआ। आपने कमाया बहुत था लेकिन कोई मतलब का नहीं रहा। आप परिवार के साथ अच्छे से नहीं रह पाए, आपका परिवार ठीक से नहीं रह पाया। तो इसलिए तथागत पूरे नियमों को जानते हैं, अच्छे से प्रतित्य समुत्पाद को जानते हैं, कार्यकारण के सिद्धांत को जानते हैं, इसलिए तथागत कह रहे हैं कि अहितकर काम न करना उत्तम मंगल है। फिर तथागत आगे कहते हैं दान देना, धम्माचरण करना, संबंधी तो का आदर सत्कार करना और दोष रहित कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। दान देना, दान किस चीज के लिए दान देना? जैसे आपके घर में एक अच्छा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है या कोई अच्छा नीम का वृक्ष है, आप उसको पानी डाल रहे हो, पानी का दान दे रहे हैं। आप थोड़ा समझना, मैं थोड़ी चीज़ को थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है किताब लेने के लिए, आपने उसको किताबें लेके दी और उसका पढ़ाई का खर्चे उठा के उसको एक बहुत अच्छे जगह पे पहुंचा दिया, आपने दान दिया। एक वृद्ध दंपत्ति है जो भूखी है, आपने जाके उनको खाना खिला दिया, वो दान हुआ। कोई भिक्षु है जो धम्म का कार्य कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, उनको जाके आपने चिवर दान दे दिया, कुछ औषधि के लिए सहयोग कर दिया और भोजन दान कर दिया, कुछ संगोष्ठी करने के लिए, आपस में अच्छा वार्तालाप करने के लिए विहार बन रहा है, लाइब्रेरिया बन रही है, वहाँ आपने दान कर दिया। तो दान के अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शराब पीने के लिए पैसा दिया, बोले तो दान नहीं हुआ ना। आपने आतंकवादी घटनाओं के अंदर शामिल लोगों को पैसा दिया कि तुम जाके आतंकवादी घटना, वो दान नहीं हुआ। आपने किसी को गलत काम करने के लिए पैसा दिया, वो दान नहीं हुआ। दान का मतलब है कि उससे उसकी भलाई होना चाहिए, किसकी? जिसको कुछ आप दे रहे हो उसकी भलाई होगी तो आपके लिए पुण्य कर्म हो गया।
और वो पुण्य कर्म होगा वो आगे बढ़ेगा, वो अच्छा ही आगे बढ़ेगी, तो आप भी आगे बढ़ोगे, आपको भी अंदर से संतुष्टि आएगी क्योंकि आपने अच्छा कुछ किया। लेकिन अगर आपने गलत जगह दान दिया तो गलत चीज़ बढ़ेगी और वो गलत चीज़ आपकी अच्छाई के लिए घातक हो जाएगी। आपकी वो जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ आपकी अच्छाई के लिए घातक हो जाएगी। इसलिए गलत चीज़ को बढ़ाने के लिए दान नहीं देना है। गलत चीज़ को बढ़ाने के लिए चाहे कोई धार्मिक नाम से आ जाए, बोले हम यज्ञ कर रहे हैं, वो फिर यज्ञ क्या कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए क्या दान देना है आपको, बोले गाय दान देना है, बकरा दान देना है, बकरी और उसको काटना है, वो दान नहीं हुआ, वो महा अपुण्य हो। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी दुनिया का ब्रह्मांड का अरंत, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मूग बगीर पशुओं की बलि लेके अपनी संतुष्टि नहीं करता है। वो शैतान ही होता है कि जो अपनी संतुष्टि करना चाहता है। वो शैतान किधर होता है, शैतान आदमी के दिमाग में बैठा होता है, और दिमाग में बैठा होता है, और वो शैतान ये बताता है कि ये पुण्य कार्य है, क्योंकि प्रज्ञा उसकी जगी नहीं है, अंधेरे के अंदर है, अंधेरे के अंदर है तो उजाले में देख नहीं पा रहा है कि क्या है, क्योंकि अंधेरे के अंदर खुद ही है तो कुछ नहीं दिख रहा उसको। लेकिन अगर आप दान करते हो तो उजाले की तरफ जाने के लिए दान करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए दान करना चाहिए, तो दान का महाफल होगा, दान का महाफल होगा। तो तथागत कहते हैं दान देना, फिर धम्माचरण करना, धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार प्रसार करके उसको बढ़ाना, ये बड़ा पुण्य है। क्योंकि अच्छी चीज़ों को जब आप प्रचार प्रसार करोगे, लोग प्रकृति के सिद्धांत को जानेंगे, कार्य कारण के सिद्धांत को जानेंगे, सही और गलत को जानेंगे, जब वो खुद सुखी होंगे तो क्या करेंगे, वो दूसरों को भी सुखी करेंगे, जब खुद आनंदित होंगे तो दूसरों को आनंदित करेंगे। तो इसलिए धम्म का प्रचार क्यों करना है, लोग जनता दुख से पीड़ित, जनता दुख के पीड़ित भाव से मुक्त हो, वो एक अच्छे से अपने जीवन में एक अच्छे गति को प्राप्त हो, एक अच्छे आनंद को प्राप्त हो, इसलिए धम्मचरण करना। संबंधितों का आदर सत्कार करना, संबंधितों का। आजकल जो एक प्रणाली हो गई है कि शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, और जब कोई उनको कुछ बात आई, दोनों में आपस में दो दो बातें अगर हुई, तो उनके पास सलाह देने वाला कोई है ही नहीं, वो इधर उधर भटक रहे क्या करना किया जाए। बात न्यायालय तक गई, न्यायालय सोच में बोल रहे कि हम तलाक चाहते क्यों, क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। पत्नी ने बोला कि आज खाने में क्या बनाओ, पति ने बोला कि आज अच्छी सब्जी बनाओ, और पत्नी ने घर से समझ के आई थी कि अच्छी सब्जी का मतलब कि कुछ तेल मिर्ची विर्ची लगा के कुछ अच्छी तड़के वाली सब्जी बनाओ, और पति तो ऐसे घर से था कि उसने बोला कि भाई अच्छी सब्जी का मतलब शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध मतलब कम तेल हो, कम मिर्च हो और बहुत स्वादिष्ट हो। अब उनका झगड़ा हो गया कि आपने तो तीखी बना दी, और उसने बोला आपने तो बोला था अच्छी बनाओ। तो उसके अंदर में जो अच्छी की परिभाषा थी वो अलग थी, वो इसके अंदर में अलग थी। तो ऐसे समय के लिए क्या होता है कि वो जो संबंधित लोग हैं, संबंधी है, ये काम करते हैं बहुत अच्छे से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो क्या होता कि एक दूसरे का आदर सत्कार करते तो वो एक पारिवारिक समूह बन जाता है। और एक पारिवारिक समूह क्या होता है कि जो एक प्रकृति का नियम है कि संगठन, एक संगठन में जब आदमी काम करता है, संगठित होके काम करता है, जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे शाम को पक्षियों को बड़े दूर तक जाना होता है तो वो झुंड के साथ में जाते हैं, और झुंड के साथ उड़ते उड़ते बड़े लंबे दूर तक जाते हैं, तो हमको और पता भी नहीं चलता उनको कि वो लंबे दूर तक उड़ान भर के आए हैं। तो हमको भी भवसागर के अंदर में, इस संसार सागर में हमारी यात्रा सुखपूर्वक करने के लिए संबंधितों की, रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है और होती है। तो ज़रूरत कब पूरी होगी, हम उनका आदर सत्कार करेंगे, हम उनका आदर सत्कार करेंगे, वे हमारा आदर सत्कार करेंगे, तो दोनों आदर सत्कार करेंगे तो संबंध जुड़ जाएंगे, संबंध जुड़ जाएंगे तो एक समूह बनेगा, एक संगठन बनेगा और एक टीम बनेगी, और वो टीम बनके एक अच्छा काम करेगी। इसलिए तथागत कह रहे हैं कि संबंधितों का आदर सत्कार करो। दोष रहित कार्य करना, दोष रहित कार्य कैसे होने चाहिए, दोष रहित कर्म किस प्रकार के करना है कि जिसमें दोष नहीं हो, दोष यानी अच्छे काम करना है, जो
शासन के नियमानुसार, संविधान के नियमानुसार, मानव मात्र के लाभ के लिए, अपनी जीविका अच्छी चलाने के लिए और कुछ अच्छे काम करने के लिए, सेवाभाव के काम करने के लिए, अच्छा उद्योग धंधा करने के लिए ऐसे काम करे कि जो दोष रहित हो, जिसके अंदर दोष नहीं हो, गलत चीज़ नहीं हो, तो दोष रहित कार्य करना, ऐसा तथागत कह रहे हैं कि अच्छी आजीविका करना। ऐसे नहीं कि गांजा भांग इसकी आजीविका करने लग गए कि भाई ज़रूरत है मेरे परिवार के लिए तो स्मगलिंग कर रहे, नहीं, तथागत कह रहे गलत आजीविका है। आजकल तो शासन भी लाइसेंस देके भी ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं करना है। अगर सदगुरुस्त अगर आप हो तो आपको उस आजीविका को छोड़कर अच्छे आजीविका करना है। तो तथागत कह रहे हैं कि दान देना, धम्माचरण करना, संबंधितों का आदर सत्कार करना और दूसरित कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। आगे तथागत कहते हैं, मन शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना, मादक चीज़ों का सेवन न करना और उत्तम कार्यों में आलस रहित रहना, यह उत्तम मंगल है। मन के क्या कौशल हो सकते हैं? मन सोचने का कार्य करता है, तो सोचना कैसा है? अच्छा सोचना है। थिंकिंग कैसे रखना है? अच्छी थिंकिंग करना है, क्योंकि विचार जैसे हम सोचेंगे वैसे हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे। तो मन क्या होता है? मन हमारा नेतृत्व करता है इंद्रियों का, जो सभी इंद्रिय है मन के प्राधान्य होने के कारण है। तो मन को सही डायरेक्शन में लगाना सबसे पहला काम है। फिर मन जब सही डायरेक्शन में लगेगा तो आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। अब वाणी जब अच्छी है, आप बोलेंगे अच्छे, मधुर होंगे, कर्णप्रिय बोलेंगे, काम की चीज़ें बोलेंगे, बेमतलब की नहीं बोलेंगे, उद्देश्यपूर्वक चीज़ें बोलेंगे, और उस प्रकार आपके शरीर के कर्म भी अच्छे होना चालू हो जाएंगे। आप जानबूझकर जीव हिंसा नहीं करेंगे, अपने पत्नी को छोड़कर वेश्यागमन नहीं करेंगे, आप दारू भांग कच्ची पक्की तंबाकू इस प्रकार की मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि रोगों का घर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर से किए जाने वाले अकुशल कर्म है। तो तथागत क्या कहते हैं? मन शरीर तथा वचन से पापों को यानी अकुशल को त्यागना, उसको क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। फिर आगे कहते हो, मादक चीज़ों का सेवन न करना। मादक चीज़ें कौन कौन सी होती है? मादक है जैसे शराब है, गांजा है, अफीम है, तंबाकू है, जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं कि जो मन और मस्तिष्क को जो ये करती है, गुलाम बनाती है, किस चीज़ की? नशे की गुलाम बनाती है। आज सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंटल रेट है वो 80% एक्सीडेंट होने का कारण शराब है। सबसे ज़्यादा कैंसर होने का मूल कारण तंबाकू है। और सबसे ज़्यादा जो लीवर लोगों के ख़राब हो रहे हैं वो ज़्यादा शराब पीने के कारण हो रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम की जो कारण है वो शराब है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में ली गई शराब जो है वो आर्टरीज को, जो लवचिकता होती है आर्टरीज की, वो ख़त्म कर देती है। और उसी इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अनसर खाना शुरू करता है, उसका सिस्टम बराबर नहीं रहता, तो क्या होता है? या तो कैंसर से पीड़ित हो जाता है, या हार्ट से पीड़ित हो जाता है, डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है, या कुछ वो ब्रेन उसका अच्छे से डेवलप नहीं होता, जानकारी नहीं है, तो कुछ भी इधर उधर गिर रहा है। तो ये सारे गलत कार्य है, ये मादकता के कारण होते, मादक पदार्थों के कारण। तो तथागत क्या कहते हैं कि मादक चीज़ों का सेवन ही मत करो और मंगल कार्यों में आलस्य रहित रहना। अब मंगल कार्य क्या करना है कि आपका शरीर खाली तो नहीं रह सकता, तो कैसे रखना है? खाली अगर रहेगा तो आलस्य में भी आप आनंद मनाए, चलो भाई कोई काम धाम नहीं, सो रहे 12-15 घंटे, है ना? तथागत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, आपको मंगल कार्य ने अच्छे कार्यों को आपको ढूंढना है, करते रहना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, अच्छे संकल्प लेना है, और मंगल कार्यों के लिए क्या होना है? आलस्य रहित रहना है, आपको एक्टिव रहना है। तो मंगल कार्य के लिए आलस्य रहित रहना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। क्योंकि अच्छे कार्य जब आप करेंगे, पुण्य के जो आप कार्य करेंगे, उससे आपके अंदर में जो
आपको संतुष्टि मिलेगी, जो आपको खुशी मिलेगी वो एक अपार खुशी होगी, और वो खुशी कहीं ज़्यादा खुशी होगी वो शराब के नशे से, उस विषयागमन की खुशी से, वो ये जो आंतरिक खुशी होगी, क्योंकि आप वो निबान वाले जो एरिया को टच करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अच्छे कर्म के कारण, अच्छाई के मार्ग के कारण। तो तथागत कह रहे हैं कि उसमें आलसरित हो जाओ। किस में आलसरित हो जाओ? मंगल कार्यों में। तो मंगल कार्यों में आलसरित रहना यह उत्तम मंगल है। फिर आगे तथागत ये कहते हैं कि गौरव करना, नम्र होना, समाधानी रहना, सज्जन होना और उचित समय पर धम्म को सुनना उत्तम मंगल है। गौरव करना, गौरव किसका करना है? गौरव अच्छे कार्य को करना। अच्छे कार्य का गौरव किस लिए करना है? क्योंकि उसको प्रोत्साहन देना है। जब आप अच्छे कार्य को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि उस अच्छे कार्य की आपको प्रशंसा करनी होगी। तो गौरव करना ये महत्वपूर्ण काम है। और नम्र होना, नम्र किस चीज़ के लिए नम्र होना? कि आप अगर अपना व्यवहार अच्छा करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इसलिए नम्र होना। अकड़बाज नहीं होना कि मैं क्या समझता हूँ किसको, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ऐसे लोग हैं ना, जैसे ये भी एक टाइप का नशा हो जाता है, घमंड है ना, है मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो पता चलता कि वो चलते वक्त ही लड़क रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ये दिखा रहा है किसी को, वो दिखा रहा है। तो वो ऐसा मत करो, आप एक पोलाइट व्यक्ति बन जाओ, एक नम्र व्यक्ति बन जाओ, एक सज्जन व्यक्ति बन जाओ, अच्छे व्यक्ति बन जाओ। ऐसे तथागत कह रहे हैं कि नम्र होना। फिर समाधानी रहना। समाधानी का मतलब क्या है? अब जो लोग खाली पीली बैठे रहते हैं घर में, कुछ काम दाम नहीं करो, हम समाधानी इसलिए कुछ काम नहीं, नहीं नहीं, वो समाधानी नहीं, वो आलस्य है। यहाँ समाधानी का मतलब है कि एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उसका अच्छा परसेंटेज बना, अच्छा रिजल्ट आया, वो खुश हो गया, समाधान हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। एक किसान ने बहुत अच्छे से अपने फसल की तैयारी की और फसल तैयार करने के बाद अच्छे से बीज डाले जमीन में और मशागत की, उसकी देखभाल की, और उसको बहुत अच्छे से फसल का उत्पादन हुआ, उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ, कर्जे से भी मुक्त हुआ, कुछ पैसा भी उसके पास इकट्ठा हो गया और वो समाधान हो गया उसको। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी से अच्छा होने के बाद उसको लगता मैं अच्छा हो गया, तो अच्छा हो गया जब उसको ऐसा लगता तो वो समाधानी हो गया, वो संतुष्ट हो गया। तो ये है समाधानी होना, ये है संतुष्ट होना, कि आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। कोई माउंट एवरेस्ट पे गया, उसने बहुत प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद माउंट एवरेस्ट में जाके अपने देश का झंडा लहराया, लोगों ने तारीफ के पुल बांधे, उसको खूब खुशी हुई, वो समाधान हासिल हुआ। एक माँ ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, उसको उनको अच्छी शिक्षा दी और अच्छी शिक्षा देके उनको कुछ उच्च पदों पे पहुँचाया, उच्च व्यवसायिक इस पे पहुँचाया, अच्छे लेखक बनाया, उनको एक ऐसे अच्छे मार्ग पे पहुँचाया। अब उसको उनकी खुशी देख के खुश वो होती है, वो समाधान होता है, वो है समाधान होना। किसी ने सोचा कि मुझे एक अच्छा विहार बनाना था, तो उसने अपने 50-50 एकड़ ज़मीन ली, वहाँ उसने लाइब्रेरी बनाई, ध्यान सेंटर बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए और बहुत अच्छा प्रशिक्षण स्थल किया, लोगों को प्रशिक्षित किया और अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर से लेके अच्छे भिक्षु और अच्छे ट्रेंड एक प्रशिक्षित टीम को तैयार किया। अब वो खुश है कि मैंने कुछ एक एम्पायर खड़ा किया अपने कार्य से, वो एक समाधान है। समाधानी होना मतलब एक अच्छे कार्य को करना, अच्छे कार्य का परिणाम जो से जो संतुष्टि आती है, जो संतोष आता है, वो होता है समाधानी होना। सज्जन होना, सज्जन होना मतलब अच्छा जन होना, क्योंकि लोगों के लिए आप हितकारी काम करेंगे तो आपके लिए भी लोग अच्छा सोचेंगे। तो क्या होना है? सज्जन होना है, अच्छा होना है। उचित समय पर धम्म को सुनना। उचित समय, उचित समय कौन कौन सा होता है? जैसे हमारे चार माह के अंदर में चार पर्व आते हैं। कौन से आते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी। अष्टमी दो बार आती है। आप कम से कम एक श्रृंखला बना दी जाए कि इन दिनों में हम कम से कम धम्म पर चर्चा करेंगे, एक घंटा करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो कुछ अच्छा धम्म का वाचन करेंगे, आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपस में वो धम्म का अच्छी चीज़ें, जो धम्म क्या है, एक नेचर को बैलेंस करने वाली चीज़ है,
मानव मात्र को गाइडेंस करने वाली चीज़ है। धम्म वो नहीं है कि आपको स्वर्ग में ये मिलेगा और सुंदरिया मिलेगी और सुरापान होगा, ये सिखाने वाला धर्म नहीं, वो अधम है कि आप तो बस अगले जन्म में तो बस इंद्र बन जाओगे और वो बन जाओगे, ऐसा नहीं है ना, ये धम्म नहीं है, वो अधम है। धम्म का मतलब क्या है कि नेचर को समझना, ला आप नेचर को समझना, कार्य कारण के सिद्धांत को समझना, और गलत चीज़ का गलत परिणाम आता है ये समझना, सही चीज़ का सही परिणाम आता है ये समझना, तो अपने तरफ से क्या करना है, कुशल कार्य करना है। जैसे तथागत कहते हैं कि सोने से जो हम प्याला बनाएंगे तो काय का बनेगा, सोने का ही बनेगा, तो हम जो अच्छे कार्य करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमको अधिक से अधिक अच्छे काम करना चाहिए, अधिक से अधिक। तो तथागत ये कह रहे हैं कि उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। फिर आगे तथागत ये कहते हैं कि तप पवज्जित जीवन का पालन, आर्य सत्यों का जानना और निब्बान का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है। तप यानी कौन सा तप? तप करना मतलब जैसे ये भिक्षु को तथागत सिखाते थे कि ध्यान करो, ध्यान भी एक तप है, मतलब क्योंकि ध्यान करने में एक एनर्जी लगती है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है, जैसे आनापान सती आप कर रहे हो तो लगता है कि बहुत आसान है, बैठ के देख लेंगे, नहीं नहीं विचार आते हैं जाते हैं, आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास से कब ध्यान हट जाएगा और कब विचारों पर चला जाता, आप भी बोले मैं तो श्वास पर ध्यान देख रहा था, लेकिन नहीं, आप जब उसको सजग हो जाओगे तब आप उस प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो एक तप है, ज्ञान अर्जन करना एक तप है, अच्छी चीज़ों को हासिल करना एक तप है। तो क्या है तप करना? प्रवज्जित जीवन का पालन, अब जो प्रवज्जित हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रवज्जित जीवन का पालन करना चाहिए। गृहस्थ है तो उनको गृहस्थ जीवन का पालन करना, लेकिन प्रवज्जित है तो प्रवज्जित यानी जो जिन्होंने ज्ञान के मार्ग में जाने के लिए अपने आप को फुल टाइमर बना लिया, तो उनका काम क्या है? उनका काम ये नहीं है कि नेतागिरी करो, ये करो वो करो, उनका काम है कि ज्ञान के मार्ग पे जाओ और वहाँ से जाके राजाओं के, या आज के समय में राजा तो है नहीं, राजा नहीं है, मंत्री है, नेता है, इनको सही लाइन पे लाने के लिए प्रवचन करो, ताकि उनके दिमाग में सही जाएगी, तब जनता के लिए सही होगा, जनता को जागृत करो ताकि वो उनसे सही चीज़ बोले। तो जागृत करना मतलब क्या है कि एक जीवन, जिस जीवन के लिए, जिस पालन के लिए, क्योंकि भवसागर से पार करने के लिए प्रवज्जित हुए थे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, ऐसा तथागत कहते हैं। फिर आर्य सत्यों को जानना, आर्य सत्य कौन से है? चार आर्य सत्य है। चार कौन कौन से आर्य सत्य है? तथागत कहते हैं कि संसार के अंदर अगर दुख है तो दुख है तो क्यों है? दुख का एक समुदाय है। अब समुदाय है, दुख है, दुख का समुदाय है। अब हमने समुदाय को ही खत्म कर दिया तो क्या होगा? दुख का निरोध हो जाएगा। दुख का निरोध हो जाएगा तो निरोध का भी एक मार्ग है ना? तो दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। तो चार आर्य सत्यों को जानना है। चार आर्य सत्यों को जब आप जानेंगे तब आपको निब्बान का साक्षात्कार होगा। चार आर्य सत्य में क्या आता है? जो महत्वपूर्ण जो आर्य सत्य है वो है कि दुख निरोधगामी पतिपदा जो है, दुख निरोधगामी पतिपदा जिसको कहते हैं कि अष्टांग मार्ग जो है, उसमें सारी चीज़ों का आपको समझने के लिए मिल जाएगा। और वो क्या है? वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब यहाँ पर मध्यस्थ नहीं होता, सम्यक का मतलब क्या होता है? राइट। दृष्टिकोण कैसा निर्माण होता है? सोचने से। अगेन मन की बात आ गई। अगर आप सही सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो सकारात्मक सोचेंगे सम्यक दृष्टि निर्माण होगी, सही दृष्टि निर्माण होगी, आपका इंटरनल आई बहुत अच्छा निर्माण होगा। और जब आपका इंटरनल आई निर्माण होगा, अच्छा निर्माण होगा, तभी तो आपको एक्सटर्नल रिजल्ट आएंगे। अगर इंटरनल आई गड़बड़ है तो एक्सटर्नल रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएंगे। संसार के अंदर दुख होने का मूल कारण ये नहीं है कि दुख है, दुख होने का मूल कारण है कि लोगों की दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अरे भाई, आपको अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप क्या एरोप्लेन का उपयोग करोगे या समुद्र का मार्ग का, जो भी उपयोग करोगे, किसी वाहन का उपयोग करोगे ना, करोगे कि नहीं? कि ऐसा बोलोगे कि बस मैं तो सोते रहूँगा, सोते सोते मुझे भगवान आएगा, उठा के वहाँ अमेरिका ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? समझ रहे कि नहीं मेरा पॉइंट? तो
जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना, जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना, ये सम्यक दृष्टि है। कल्पना की उड़ान नहीं है कि कुछ भी मन में आया और कुछ भी सोचने लग गए। आजकल तो लोग अचानक ये सोचने लग गए तो वो अचानक अरहंत हो जाएंगे। और किया क्या आपने अचानक अरहंत बनने के लिए? कुछ बीज बीज डाले जमीन में, कुछ अच्छे बीज डाले, अच्छे कर्म किए? नहीं किए तो कुछ नहीं, वो हमने वो किसी पंडित को दान दे दिया था, वो मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, वहाँ पे 10 गायें दान दे दी थी काटने के लिए मंदिर में, तो फिर आपने तो पूरा अपुण्य कर दिया, क्योंकि मूकबधिर जानवर को पहले आपने वहाँ पशु हत्या करने का सबसे पहला न्योता दे दिया, और आप बोल रहे कि आपको निबान प्राप्त हो जाएगा, आप अरहंत हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? भले ही आपके शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्र अपने आप में रिजल्ट थोड़ी, शास्त्र मुर्दा होते हैं, शास्त्र मुर्दा है, लेकिन जब आप उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी कौन देगा? आप दोगे ना। अब सही एनर्जी दोगे तो सही चीज़ निर्माण होगी, और गलत चीज़ को एनर्जी दोगे तो गलत चीज़ निर्माण हो जाएगी। तो आप महत्वपूर्ण है। तो सम्यक दृष्टि में क्या है कि मिथ्या दृष्टि का त्याग करना है। फिर सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प कैसे होते हैं कि द्रोह न करने का, द्रोह न करने का, निष्कर्म का संकल्प, यानी गलत काम नहीं करना है, गलत लाइन पे नहीं जाना है, अच्छी चीज़ों को करना है, अच्छी चीज़ों का संकल्प लेना है, जो भी अच्छी चीज़ है उसका एक संकल्प लेना है। जिस चीज़ का आप संकल्प लेंगे उधर आपका मन मस्तिष्क का काम करने लग जाएगा। तो अभिहिंसा का संकल्प लेना है कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, जानबूझ के ये जो दंगे फसाद होते हैं इसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ अच्छे संकल्प लेने हैं। तो तथागत कह रहे हैं कि जो अष्टांग मार्ग का जो दूसरा है वो है सम्मा संकल्पो, राइट संकल्प लेना है, राइट। फिर आए राइट वाचा, वाचा कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए, काम की बात बोली, बड़बड़ नहीं है ना, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत होनी चाहिए, और फालतू की बातचीत नहीं, मनोरंजन की बातचीत नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, किधर की बात किधर बोल रहे हैं, उसका कोई ना कोई बोलते उसका जड़ है, ना कोई उसकी कोई लक्ष्य है, बस चल रहे साहब, ऐसी बातचीत नहीं, उद्देश्यपूर्वक बातचीत हो, काम की बातचीत हो, अच्छी बातचीत हो, मधुरवाणी हो, सम्यक आजीविका। आजीविका कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मादक द्रव्य की आजीविका नहीं करना चाहिए, पशु हत्या से संबंधित आजीविका एक अच्छे उपासक को नहीं करना चाहिए, चोरी वाली आजीविका नहीं करनी चाहिए, डकैती वाली नहीं करना चाहिए। तो कैसी आजीविका होनी चाहिए? मानव मात्र की सेवा के लिए, अच्छे काम के लिए, उनका भलाई के लिए अच्छी आजीविका को अपनाना चाहिए, जिससे लोगों की भलाई हो, हमारी भलाई हो। फिर है सम्यक कर्मांत, कौन से कर्मांत करने हैं? अच्छे कर्म, कर्म कैसे करने हैं? मन, वाचा, शरीर, तीनों से कर्म होते हैं। मन से क्या सोचने का काम, सही सोचना है, गलत नहीं सोचना है। शरीर से क्या प्राणी हिंसा नहीं करनी है, विषागमन नहीं करना है, मादक द्रव्य नहीं पीना है, उसको शरीर को नहीं देना गलत चीज़ें। शरीर वाचा, वाचा से बकबक नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को फसवेगिरी का काम नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ शरीर मन और वाचा से संबंधित जो कर्म है उसको सत्कर्म करना है। तो ये हो गया सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत के बाद में क्या आता है? सम्यक व्यायाम। वो सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम जो है कि गलत चीज़ को तो चित्त में एंट्री करने ही नहीं देना। कैसे नहीं करने देना? स्मृतिवान बने रहना। गलत चीज़ अगर एंट्री हो ही गई तो ध्यान के माध्यम से अपने चित्त से बाहर फेंकना, उसको निकाल के। और तीसरी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ को एंट्री देना, अच्छी चीज़ को एंट्री देना, उसको बढ़ाते रहना। और चौथी चीज़ क्या है? जो अच्छी चीज़ आ गई है उसको संरक्षित करना और उसको बढ़ाते रहना। तो चार प्रकार का व्यायाम है, ये सम्यक व्यायाम के अंदर में आता है। फिर आता है सम्यक स्मृति। स्मृति किस प्रकार से करनी है? चार चीज़ों पर स्मृति करनी है। किस किस पे स्मृति करनी है? काय पे स्मृति करनी है। पहला तो काय, खाता, खाते वक्त, नहाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त होश में होना चाहिए। यह आनापान सती ध्यान काय के लिए है? बैठ के ध्यान लगाने के लिए, होश प्राप्ति के लिए, स्मृति के लिए। क्योंकि आप स्मृतिमान रहेंगे तो सही गलत आपको पता चलेगा, और स्मृति अगर अस्मृतिमान में ही तो गड़बड़ होता है। आप जब स्मृतिमान नहीं रहते तब अंधेरे में पहुंच जाते। तो स्मृतिमान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मृतिमान आप रहोगे तो आपके साथ प्रज्ञा रहेगी, ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा तो आप गलत चीज़ को सही चीज़ को पता करोगे। तो उसमें कायानुपश्यना, काया के बारे में पूरा पश्यना जो हमने बहुत सारे कैसेटों के अंदर, प्रवचनों के अंदर में उसको दिया है कि काय के ऊपर में क्या क्या ध्यान करना है। एक तो
आनापान वाला ध्यान है, फिर काय की स्थिति को पता करना है कि काय के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर काय की गति के बारे में पता करना है कि काय की गति क्या होने वाली है, क्योंकि सब जो एक्चुअल है वही तो देखना है ना, तभी तो आपका तादात्म्य छूटेगा, उसके काम वासना से छूटेगा, आपका वो शरीर के बारे में जो डिंग निकालना है और मैं तो बस अभी तो ये बन गया हूँ और सब कुछ बन गया, लेकिन आपका शरीर मरने वाला है आपका शरीर मरने वाला है, बस ये सत्य है, क्योंकि लोगों का भी शरीर मर गया, आपका भी मरेगा, आपका भी शरीर बुढ़ा होने वाला है जैसे लोगों का हुआ, तो जैसे गति बाकी लोगों के शरीर की आपकी भी होने वाली, तो आप शरीर नहीं हो, पहली चीज़ तो ये जान लो, लोग शरीर यानी शरीर यानी वो समझते मैं हूँ, शरीर एक साधन है आपको भवसागर के पार करने के लिए, उसको साधन के रूप में ही इस्तेमाल करो, तो शरीर को मादक द्रव्य नहीं क्यों नहीं देना है कि उसकी बचाव करना है, शरीर को अच्छी चीज़ क्यों देना है, अच्छी चीज़ें क्यों खिलाना है, क्योंकि उसको हमको स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग काय के लिए करना है, क्योंकि हमको कुछ अच्छा अर्जन करना है, इस दुख से मुक्ति पाना है, तो कायानुपश्यना का मेन उद्देश्य ये है कि आप उस भवसागर के पार करने के लिए आपके काय को स्मृतिवान बनाओ और उसको एक अच्छे रास्ते पर ले जाओ। फिर आता है वेदना, वेदना आती है दुख वेदना, सुख वेदना, फिर सुख वेदना, असुख वेदना, है ना, अलग अलग प्रकार की वेदना आती है, फिर स्पर्श से वेदना आती है, कोई लड़की जा रही तो वहाँ पे एक वेदना तैयार अलग हो गई, तो कई डर आ गया तो अलग वेदना आ गई, गुस्से में अलग वेदना, क्रोध की एक अलग वेदना, तो सब वेदनाओं को आप क्या जागृति की अवस्था में आप जब देखेंगे, तो ध्यान की अवस्था में जब आप देखेंगे उसको पकड़ना शुरू करेंगे कि ये अच्छा अच्छा ये वेदना ऐसी है क्या, ये इसके कारण निर्माण हुई, तो आप जब देखेंगे उसके कार्य कारण को देखेंगे तो वेदना के कारण में जो आपको दुख हो रहा था वो दुख आपका खत्म होना जाएगा। क्रोध की स्थिति में भी आप बैलेंस में रहोगे, किसी ने प्रशंसा की तो आप बैलेंस में रहोगे, किसी ने निंदा की तो आप बैलेंस में रहोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर प्रभाव नहीं, आप एक स्थिर चित्त हो गए, आप वो इंद्रकील के समान स्थिर हो गए, आप एक इंद्रकील के समान हो गए और वो वेदना आपके ऊपर में प्रभाव नहीं करेगी। तो वेदनानुपश्यना, ये है वेदनानुपश्यना। फिर आती है चित्तानुपश्यना। अब चित्त की स्थिति क्या है कि आपके अंदर में क्या स्टोर है वो पता करना, चित्त के अंदर अगर द्वेष भरा है, मोह भरा है, मूढ़ता भरी है, गलत चीज़ भरी है, तो आपका चित्त वैसा लगेगा, तो जब आप उसका दर्शन करोगे तो वो आपको समझ में अच्छा अच्छा इस कारण से चित्त गड़बड़ लग रहा है क्या, इस कारण से मुझे पगला टाइप का लग रहा था, अच्छा अच्छा मेरे चित्त में ये चीज़ें भरी हुई है, तो उसको आप बाहर निकालोगे तो आप क्या होगा, चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर ये सब करने के लिए क्या है, ये है धम्मानुपश्यना। धम्म का काम क्या है, एक औषधि है धम्म। धम्म सही चीज़ को तो आपको, गलत चीज़ को तो हटाने का काम करती है, सही चीज़ का निर्माण करने के लिए भी आपको काम करती है। तो धम्म के अंदर क्या आते हैं, 37 बुद्धि पक्ष धम्म आते हैं। 37 बुद्धि पक्ष धम्म के अंदर में वही चीज़ें आती है जो अपन ने बात कर रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग है, 7 बोधि अंग है, बोधि अंग क्या बुद्ध को प्राप्त करने के लिए है, फिर 5 बल है, फिर 4 सम्यक प्रदान है, 4 उद्दीपाद है, 5 इंद्रिय है, ये इस प्रकार से जो 37 बोधि पक्ष जो है वो वही धम्म का एक अंग है, और उसको समझना और उसको ग्रहण करना, तो ये धम्मानुपश्यना हो गई। तो अब हमने क्या देखा, ये है सम्यक स्मृति, है ना, ये है सम्यक स्मृति। फिर हमारे अंदर में संशय आएगा कि ऐसा है कि नहीं है, श्रद्धा नहीं रहेगी, हमको लगेगा कि ये तथागत को अरहंत पद हुआ कि नहीं हुआ, भाई संशय तो रहेगा। फिर तो जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा, आप बताइए, नहीं पता चलेगा ना। इसलिए ये समाधि जो है, ये समाधि लगाई जाती है। समाधि का क्या है महत्वपूर्ण, जो 4 स्टेप है जो उपासक को लगभग करने हैं, वो क्या है, सवितर्क, सविचार, समाधि। अब चित्त के अंदर में अगर कुछ गड़बड़ है चीज़ें, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना है, सवितर्क देना पड़ेगा। भाई ब्रेन जो काम करता है, ये जो काम करता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड में काम करता है, ऐसे इसमें नहीं काम करता, बंद में नहीं काम करता, तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो वितर्क कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, हाँ इसका सोल्यूशन है और एक कैसा सोल्यूशन हो सकता है ऐसा। फिर थॉट देने हैं तो पॉजिटिव थॉट देने हैं, तो वितर्क करना है, पॉजिटिव वितर्क करना है सोल्यूशन वाइज में। और विचार, सकारात्मक विचार देने, तो सकारात्मक विचार देने से और सवितर्क देने से क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर में, जो चित्त के अंदर में जो मैल था वो धुलाई होना चालू हो जाएगी उसकी, वो शुद्ध होना चालू हो जाएगा। अब जैसे जैसे शुद्ध होना चालू हो जाएगा तो क्या होगा कि उसकी सेकंड स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएगी, केवल विचार रह जाएंगे, वितर्क चले जाएंगे, क्योंकि धुलाई हो गई, अब विचार रहेंगे। कुछ समय ऐसा आएगा कि विचार भी चले जाएंगे, अब विचार चले जाएंगे तो फिर क्या रहेगी, शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी, प्रीति आ जाएगी, और फिर आपको आनंद आ जाएगा उसमें, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अब वहाँ पे भी क्या करना है, आपको जागृति सजग रूप में रहना है और उसके प्रति भी अपेक्षावान बनना है,
मतलब अपेक्षा का मतलब है कि ठीक है आपने वो विटनेस बनना है, उसमें ये नहीं कि खूब मजा ले रहे जोड़ रहे अपने तरफ से घटा रहे, ऐसा कुछ नहीं, आपको विटनेस में रहना है। विटनेस में रहते रहते क्या हो गया, आप एक शून्य की अवस्था में आ जाओगे। जब आप शून्य की अवस्था में आ जाओगे तब आपको निबान के एरिया के अंदर के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ तथागत कहते हैं कि यहाँ तो चांद नहीं है, सूरज नहीं है, फिर भी प्रकाश है, फिर यहाँ पे स्वाद ही स्वाद है, सुगंध है, चंदन से भी अच्छी सुगंध है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ों की बता रहे हैं कि वहाँ पे फिर वो चीज़ों के अंदर आप एंट्री करना शुरू करोगे, और जो फिर उसके बाद में स्टेप्स है जिस पर हम, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी अगर हम उस पर जाएंगे तो, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या है, ये है महत्वपूर्ण जो आपने अभी तक सुना। तो क्या है? ये हो गया निब्बान का साक्षात्कार, ये है उत्तम मंगल। फिर तथागत आगे कह रहे हैं कि जिनका चित्त लोक धम्म से विचलित नहीं होता। लोक धम्म क्या है कि किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने गाली दे दी, कुछ दे दिया, उसमें विचलित नहीं होता, मतलब वो बैलेंस है, जिसका चित्त बैलेंस है वो लोक धम्म से विचलित नहीं होता है, वह शोक रहित है। शोक नहीं होगा फिर उसको, शोक किस चीज़ का होगा, किसी चीज़ का नहीं, वो तो बैलेंस में है, वो समझ रहा है, वो अपने कंट्रोल है, अपना मालिक आप है, कोई उसको ऐसा नहीं कि कोई उसको गुलाम बना रहा है। नहीं तो आदमी को, किसी को लगता ना कि आदमी बहुत शांत है तो इसको बस गाली दे दो दो शब्द, फिर देखो उसकी वो भी कूदने लगता है कि तूने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, फिर सामने वाले को भी लगता है कि मैंने सही जगह तीर लगाया, क्योंकि मैंने तो जानबूझ के इसको इसलिए गाली दी ताकि ये उद्वेलित हो जाए, ये ऐसा हो जाए और उसने उसका मकसद पूरा कर लिया, तो इसका मतलब मालिक कौन हुआ, वो गाली देने वाला मालिक हुआ, आप मालिक नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप मालिक थोड़ी हुए, आप तो गुलाम हो गए। तो तथागत कह रहे हैं नहीं, आपको अपना मालिक बनना है। तो वो कह रहे हैं कि जो शोक रहित होता है, तो जो शोक रहित है वो कैसा होगा, मालिक होगा अपना, निर्मल तथा निर्भय रहता। अब वो क्या होगा, निर्मल रहेगा ना, जब वो बैलेंस में है तो निर्मल है और निर्भय भी रहेगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा, निर्भय रहेगा, यह उत्तम मंगल है, ये उत्तम मंगल है। जो लोग इस प्रकार के कार्य करके सभी जगह अपराजित हो कल्याण को प्राप्त करते हैं, यह उनके लिए मंगल है। अभी पराजित और अपराजित, पराजित कौन होता है, जो दूसरों को पराजित करता है, और अपराजित कौन है, जो दूसरों को जिताता है, जो दूसरों को जिता के जीतता है। जैसे किसान कुछ अच्छा बो के अच्छी फसल पाता है तो वो विजेता है, लेकिन अगर किसी को हरा के खुश हो रहे, किसी की बुराई करके खुश हो रहे, किसी का बुरा करके खुश हो रहे, तो वो जब उसको पता चलेगा इस आदमी ने मेरी बुराई की, तो वो भी उसको पराजित करने में लगेगा। अभी संसार में लड़ाई झगड़े का मूल कारण यही है कि लोग एक दूसरे की अच्छाई नहीं देखना चाहते, वो समझते हैं कि आगे जाना ही नहीं चाहिए। उनका अच्छाई का जो मापदंड है वो क्या है, वो है लोगों के बुराई पे उनकी अच्छाई है, लोगों के बुराई पे अच्छाई है। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था क्या है, ये यही है, लोगों के बुराई पे अच्छाई को स्थापित कर रहा। देखो वो मेरे से कम ज्ञानी है इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, अरे वो कम ज्ञानी है, वो मूर्ख है तो तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए क्या, ऐसा नहीं है। ज्ञान का जो मतलब है कि आपके अंदर में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर में वो डेवलपमेंट है कि नहीं है, उसके सामने वाले के हिसाब से मत करो, वो आपकी यात्रा में शामिल नहीं है, आप अपनी यात्रा में शामिल हो, आप अंतरतम यात्रा में हो। तो इसलिए सभी लोग समान है, सबके पास में अपना चित्त है, सब अपने चित्त में शुद्ध करने में लगे, कोई वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं, प्रकृति के अंदर में कोई कुछ नहीं, प्रकृति के अंदर ने सबको अवसर प्रदान किए हैं, और आपके लिए एक अवसर है, आप लोगों की अच्छाई करो, लोगों की भलाई करो। और ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसके अंदर में लोग एक दूसरे के लिए मंगल मैत्री करो कि जल्दी जल्द वैक्सीन आ जाए, कोरोना के लिए वैक्सीन आ जाए, लोग अच्छे हो जाए और सरकारें अच्छी हो जाए, वो मनन चिंतन करे, सत्कार सद्मार्ग पे लगे और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी के साथ में ये जो महामंगल सूत्र है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपकी मित्रों मंडली का मंगल हो, सब लोग आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अगर आपके यहाँ कोई बीमार भी हो तो वो जल्दी स्वस्थ हो, और सब लोग अपने अपने कार्य को अच्छे से करें, सब एक दूसरे को मदद करें, सब एक दूसरे का कुशल करें, और एक दूसरे को मदद करके सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छाई सोचें, और अच्छाई का मार्ग अपना प्रशस्त करें, लोगों को अच्छाई का मार्ग प्रशस्त करने के लिए काम करें। और इसी के साथ में महामंगल सूत्र को यही समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय,
साधु साधु साधु।